कि मुझे तू पसंद है, क्या तू मुझसे शादी करेगा? शाम को बताता हूँ सोच के शाम को सोच के बताता हूँ। Hey everyone, welcome back to my new vlog. काफ़ी दिनों के बाद आज मैं vlog डाल रहा हूँ, और यार शादी के कारण काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, और सेकेंडली थोड़ा सा ऐसी मूड ऑफ वगैरह भी था। बट अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रूपाली ने मुझे बताया था 5-6 दिन पहले कि उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और प्रोसेस चालू है, तो बताया था। तो फिर आज मेरे मन में ऐसे ही आया यार कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम सबके मैंने कॉमेंट्स भी देखे थे कि आप और रूपाली सही लगते हैं, है ना, कि एक बार बोल के देख लो ये सब। तो फिर मैंने आज सोचा था कि एक बार, और मुझे भी यार ऑनेस्टली अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसको क्लियर कट बोल दूंगा कि अगर कोई चांस है तो देख ले, नहीं तो सब हो ही रहा है, जैसा होना है वो तो होना ही है। तो बस आज मैंने ये डिसाइड करा कि अभी मैं रूपाली के घर जाऊँगा, उसे बुलाऊँगा, उसे बोलूँगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर सब कुछ सेट रहा तो ठीक है, और नहीं रहा तो भी हो ही रहा है सब कुछ यार, क्या ही बोल सकते हैं ना। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट करें रूपाली के घर चलते हैं और देखते हैं आज क्या होता है। आ गई फाइनली आ चुकी है रूपाली। हाँ भी क्या हाल है तेरे? हाँ भी क्या हाल है तेरे? रुक मैं भी तो बनाऊंगी यार, मैं भूल जाती हूँ यार। कोई ना, आज मुझे तेरे से बहुत अर्जेंट बात करनी है। हाँ भाई क्या हाल है तेरे? बस ये बदतमीजी कर रही हूँ कुछ, मैंने तेरे से बात करनी है रूपाली आज। अच्छा? अर्जेंट। पुट योर कैमरा डाउन। ओ इसको डाउन कर यार, इंग्लिश नहीं आती मुझे। इसको डाउन कर। पहले बोल हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो? रूपाली के कैमरा में बोल रहा हूँ मैं। अब रूपाली मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो गर्मी हो रही है? तो गर्मी होगी भाई, यहाँ ऐसे ही होता है। नहा कर आना था, फिर नहाया कर टाइम टू टाइम। ये अर्जेंट बात थी, चल ठीक है भाई, नहा के आते हैं। जा नहा कर पहले। सुन मेरी बात रूपाली। छांव चल ले। हाँ। मैं आज मुझे सच में बहुत अर्जेंट बात करनी, चल कहीं छांव पे चलते हैं, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। रील मिली कोई मस्त? बहुत मस्त रील मिली है, तुझे सुनकर बहुत मजा आएगा। तो अभी हम ना काफी लंबी चौड़ी एक डिसीजन कर आए हैं, और तुम सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम सबके लिए क्या, मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, इसके लिए भी हो गए वैसे, कि पता नहीं यार क्या हुआ, कैसे हुआ, पर हो गया है, हो गया, पर मजेदार हुआ है जो भी हुआ है। तो फिलहाल अभी ना हम मतलब गर्मी इतनी हो रही थी, बैठे रहे काफी देर बात करने के बाद निकल गया एक कंक्लूजन। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें डिस्क्लोज करूंगा कि क्या कंक्लूजन निकला है, क्या बात हुई है, और अब क्या होगा। ठीक है, तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। ऐसे सारा खा जाएगी, और ऐसे मेरे छोले भटूरे की प्लेट, एक छोले भटूरे की प्लेट मंगाई है, और ऐसे सारा खा जाएगी। अब मुझे उतरना पड़ेगा मैदान में, वरना वो एक प्लेट कब गायब हो जाएगी पता नहीं लगेगा। अभी हमने खाना भी खा लिया, और अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं। अब कुल्फी होती है, कुल्फी खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं। आज तो कुछ नहीं बोल सकते, अब तो बोल ही नहीं सकता, अब कुछ नहीं बोल सकता। अभी गाड़ी में जाके तुम्हें आगे की बात बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और बड़ा मजा आएगा, तुम्हें भी सुनकर मजा आएगा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो यार अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा कि मुझे पहले ये डर था कि इन केस अगर सिचुएशन अलग रही तो ठीक नहीं रहेगा रिकॉर्ड करना। तो अभी फिलहाल ऐसा हुआ कि रूपाली के घर वाले रूपाली के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और इस चीज को हो गया हफ्ता हो गया शायद से, है ना, हफ्ते के ढूंढ नहीं रहे, रिश्ते आ रहे हैं, मतलब जो भी है कि प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ, वो तो, और हफ्ते इस चीज को हो गया, और इसने मुझे बताया था, फिर थोड़ा सा रहा भी कि बीच में बात वगैरह नहीं, तो आज फाइनली मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं मतलब दिल की बात बोल दूंगा, कि सिंपली बोल दूंगा यार देख, तूने कहा था कि डायरेक्ट शादी वाला लड़का चाहिए तेरे को, मतलब कि जो डायरेक्ट शादी की घर पे बात करे। तो मैंने सोचा था कि अनु के बाद घर वाले मेले भी देखेंगे, तो मैं बोल देता हूँ जिससे पहले कि इसकी हो जाए, या फिर कोई आ गया, क्योंकि घर वालों को कोई लड़का पसंद आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि ना कैसे बोलना क्या बोलना। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं बोल दूंगा, फिर मैंने इससे पूछ लिया, और फिर रूपाली ने क्या जवाब दिया, अब रूपाली खुद देगी जवाब। इसने मुझे भाई क्या पूछा वैसे, तू बता देना तूने मुझे क्या पूछा, फिर मैं उस हिसाब से। मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा तेरे घर वाले तेले लड़का ढूंढ रहे हैं, अगर तूने कहा था कि कोई मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब नहीं, अगर तुझे कोई लड़का डायरेक्ट पूछे
शादी के लिए, तो तू सोच सकती है। तो मैंने कहा अब तू सोच ले, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं भाई दोस्त नहीं होने चाहिए के आगे जो, क्या से पूछा यार, ऐसे कौन पूछता है। रूपाली एक बात बता, वहाँ पर मैं आज कुछ लेकर भी इसलिए नहीं आया था, मैं लेकर का नहीं होता, फिर भी थोड़ा ऐसे बोलते ना कि मुझे तू पसंद है, क्या तू मुझसे शादी करेगा। शाम को बताता हूँ सोच के शाम को सोच के बताता हूँ। तो ये ऐसे पूछते हैं यार। देखो पता क्या, मेरे मन में सच में ऐसा था कि मैंने कैमरा भी कुछ नहीं ले गया, मैंने कहा यार कि मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी। कैमरा लेके आता ना तो मुझे तो फिर से भी लगना था प्रैंक ही कर रहा है भाई, तो मैं गाड़ी में करता ना छुपा कर। पर मैं इसलिए नहीं लेकर आया कि मैंने कहा मुझे पता ही था कि क्या रिवर्ट होगा क्या नहीं होगा, बोलना ठीक भी है नहीं भी है। बंदे ने इतनी हिंट दे रखे उस पे भी तू सोच ही रहा होगा कि ये क्या ही आंसर देगा। तो रूपाली मैंने तो क्लियरली बोला हुआ था दो तीन बार। कब? उसके आगे तूने लगा रखा था प्रैंक। वो प्रैंक तब होता था जब कोई रिस्पांस नहीं आता था, तब मैं बोलता था कि प्रैंक। अब मैंने तो सरेआम बोल रखा था भाई। क्या बोला तूने सरेआम? मैंने बोला तो था कि तू शादी के लिए बोलता तो मैं बोलती सोचती। तो अब एक बार बता, जिस बंदे ने बोल दिया सोचूंगी तो मतलब हाँ ही होएगा यार। तो भाई मेरे मन में यही था कि वो सोचती तो मैंने कहा आज पूछ ले। जान नहीं पाया तू जानगी, तूने बोल दिया ऐसे चलेगा फिर, अब लड़ते लड़ते फिर सही चलेगा, फिर सही है तेरे लिए। तो मैंने तो आज पूछा भाई, मैंने तो फिर भी हिम्मत करके पूछा। क्या पूछा इसने, एक बार फिर से सुनाइए जरा, फिर बताएगी। मैंने ये कहा था इसको, मैंने कहा कि तूने कहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, मैंने कहा तू मुझे पसंद है पहले बताते। इसने मुझे क्या कहा, बोला कि मुझे तू पसंद है, अपने घर वालों से बात कर ले, मैं भी कर लूंगा, तू बता दे कर लूं बात। ये क्या बात होती है। मैंने ये कहा था कि अगर तूने कहा था कि शादी वाला नहीं चाहिए तेरे को, मतलब शादी वाला चाहिए तेरे को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं चाहिए, तो मैंने कहा मुझे तू पसंद है, अगर मैं भी तुझे पसंद हूँ तो मैं भी बात कर लूंगा घर में, पूछ लूंगा, तो तू भी पूछ ले अगर तेरे को ओके है, अगर मैं भी तुझे पसंद हूँ। तू ये वीडियो डाल रहा है तो ये अब तो मैं डालूंगा। हाँ, तो अब तू पहले घर पे पहले बात कर लियो फिर ये डालियो। मैं भी घर पे बात कर लूंगी फिर डालूंगी ना। मेरे घर वाले तो नहीं देखते वीडियो आजकल, अनु की शादी वगैरह किसी पर मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मेरे तो देखेंगे। अगर देख ली तो फिर, अगर तेरी ने भी देख ली तो फिर पहले तू घर पे बात कर। पॉसिबल ही नहीं घर वाले देख ली, क्योंकि अरे मैं डाल नहीं पा रहा हूँ वीडियो, तो घर वाले देख कैसे लेंगे। एक बात तो कैसे घर पे बात करेगा, कब करेगा? वो मैं कर लूंगा कि जस्ट अभी मेरे तो फिर इसी साल कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे फिर भाई ऐसे होता है हमारे यहाँ, फिर देख लो, जबरदस्ती नहीं है, आप ही आयो, ऐसे क्यों देख रहे। ये तुमने सुन लिया होगा कि मैं तो शुरू से हिंट दे रही थी दिखाइए तूने सुनी लिया होगा ये, अब मैं कुछ नहीं आना चाहूँ। छी भाई क्या छी भाई, तूने खुद ने कहा तो सिंपल सी बात करूँ, फैमिली में बात करूँ, मुझे अभी भी लग रहा है तू ऐसे बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई ऐसे बोल रहा होता ना तो मैं कैमरा लेकर आता हूँ उस टाइम पे, छुपा के रखता है कि वीडियो रिकॉर्ड करो। तो उस टाइम पे फिर घर पे बात कर, फिर मुझे फिर पूरा यकीन हो जाएगा। मैं तो बोल दिया ना ठीक है फिर घर पे बात कर लेना। ठीक है तो तू भी करना। हाँ मैं तो अपने घर वालों को बोल कि तलाश रोक दो। बोल दूंगी तलाश बॉडी कर रहे हैं लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है आ रहे यार इसको लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं तो यही है। हंसा क्यों फिर? अरे वो मेरे को कुछ याद आ गया था, तो अभी इसको रिश्ते आ रहे हैं लड़कों के, तो इसलिए अब बात कर लेंगे। ठीक तो है अब बहुत गर्मी, चल मार्केट चलते कुछ खाने पीने, आज तेरे को पार्टी कराता हूँ, तेरे को पार्टी कराता हूँ। किस बात की? कि तू घर पे बात करने जा रही, फाइनली जो जिस लड़की को, फाइनली जिस लड़की को तू चाहती थी वो लड़का तो कम मिल गया। तू अच्छा तू पार्टी तो कराएगा ना, जिसको तू चाहता था, जिसको तू पसंद करता था, जिसको तू अपनी लाइफ में लाना चाहता था, वो उसने बोला कि हाँ सोचूंगी। खुद ही बोलकर खुद ही खुश हो जा रही है। तू भी खुद ही बोला रूपाली, दो मैं तो क्या कह रहा हूँ, दो चार दिन तू रुक जा, मैं हफ्ता रुक जा अभी, मत बोले हफ्ता, मैं भी नहीं बोलता हफ्ता, देखते हैं जो तू मुझे ताने मारे, जो मैं तेरे को ताने मार रहा हूँ, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। ठीक है मैं कह रहा हूँ हफ्ता मत बोल, भाग जाएंगे दोनों, हफ्ता मत बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा, भाग जाएंगे हम दोनों। तो अभी हफ्ता नहीं बोलेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। इसके साथ कोई रह नहीं सकता भाई, बहुत ही बड़ी तुझे पसीना आ रहा है। हाँ तो बोल रही हूँ ना गर्मी हो रही है, तभी बोल रही हूँ इसके साथ कोई नहीं रह सकता भाई, ऐसे पसीने दिलवाता रहेगा गाड़ी के अंदर। मुझे भी आ रहे हैं यार, साथ में पसीने ले रहे हैं भाई, ऐसे नहीं कि मैं एसी में हूँ तू पसीने में। आगे देख, चलो मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, अभी मार्केट में कुछ खिला देता हूँ, कूल डाउन कर देता हूँ। तो यार अभी तो हम खा पी भी लिए, काफी हमने बातें भी कर ली,
उल्टी सीधी बातें ही करी है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, हो क्या रहा है ना। मेरे को भी कुछ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया अभी, पर ठीक है यार, इतना नॉर्मल होना था। मुझे तो कुछ अलग ही, मेरे को लगता है ये मूवीज और टीवी टूवी छोड़ना पड़ेगा, अलग ही दुनिया में थी मैं तो। मतलब ये कुछ नहीं भाई, जब तुझे इस बात का भी मतलब चाहिए तो फिर यही हो सकता था। मुझे पाली कम से कम ये चीज मानती, मैंने इनिशिएटिव दिया, तुम तो इनिशिएटिव भी नहीं लिया। मैंने इनिशिएटिव लिया, तूने जब मुझे बताया उसके 3-4 दिन बाद ही, मैंने बोला तो जब मेरी शादी हो ही जाती तब लिया। ढूंढ रहे थे अभी भी नहीं दिया, मेरे गाने आना था पर ठीक है ना, अब फाइनली बोल तो दिया मैंने, तो बोल दिया चलो अब हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कल से करना क्या है, मतलब होना तो वही है, घूमेंगे फिरेंगे अपना, खाएंगे पिएंगे शायद, है ना, यही सब होना है और क्या होना है। पर घूमने फिरने जा सकते हैं, क्या बोलती है? पर यार अनु की शादी है, अभी तो मुझे काम करना है, तो अभी घर तो पे बात कर, घर पे बतेरा 6 साल घूम लिए, अभी 6-7 दिन तो रुक जा भाई, 6-7 दिन मत, जब भी करना है पहले घर पे बात कर, फिर सोच के क्या करना है। ठीक है 6-7 दिन बाद ही करेंगे, पहले पता तो लगे हो क्या रहा है और सब ठीक है नहीं है। यार ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट डिसीजन है बहुत बड़ा, और अभी बच्चा है मैं। ठीक है चलो, ओके ओके बाय। उम्र में ना क्या ही, चल ठीक है बाय। रोनी मेरा वेट कर रहा है, मुझे रोनी को जूते लेने जाने। बाय 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 बाय, ओके रूपाली बाय 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 बाय, ओके बाय रूपाली बाय 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 बाय। चलो यार अब अपा भी घर चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने जाना है, तो शॉपिंग वगैरह करते हैं। बट यार बड़ा ही ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर ठीक है चलो अभी घर चलते हैं, उसी तक घर पे मिलते हैं। यार जो थोड़ी शॉपिंग वगैरह थी वो हम कर कर आ गए, फिलहाल भी घर पर आ गया, और आज का दिन बहुत मस्त था, मजेदार दिन था। अब अनु की शादी भी आने वाली है एक, और अब आगे के व्लॉग्स भी रूपाली के साथ आएंगे, वो भी अब वाले आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं वो पता नहीं कैसे होंगे, मस्त होंगे, मजा आएगा। तो चलो इस व्लॉग में ध्यान करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।